विघ्नहर्ता श्री गणेश। शिक्षा का चरम स्तर होता है परीक्षा। यही परीक्षा व्यक्ति को उनके जीवन की अनेकों कठिनाइयों से उभरने का बल प्रदान करती है। एक ऐसी ही परीक्षा महादेव के अवतार नंदी के समक्ष भी आने वाली थी। मैं तुम्हें आशीष देता हूं पुत्र, आज जो तुमने ज्ञान अर्जित किया है वो तुम्हें तुम्हारे जीवन की प्रत्येक परीक्षा के लिए तुम्हें सफलता दिलाएगा और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य अर्थात शिव दर्शन में समर्थ बनाएगा। तो क्या वास्तव में इंद्रदेव नंदी जी की परीक्षा लेने वाले थे लंकेश? इंद्रदेव कहां कोई कार्य एकाकी संपन्न करने में समर्थ हैं। वो तो अपने एक समूह को साथ लेकर गए, इसलिए अब एक नन्हे बालक को 6 देवताओं का सामना करना था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारी योजना के अनुसार यमराज आप आखेटक बनेंगे और भूदेवी आप मृग का रूप धारण करेंगी। यदि तुमने किसी मृग को यहां आते हुए देखा है तो बताओ मुझे वो किस दिशा में गया है। यदि मैंने इन्हें उस मृग के विषय में सत्य कहा तो ये उस लाचार मृग को बंदी बना लेंगे और उसके उपरांत ज्ञात नहीं उसके साथ कैसा अत्याचार करेंगे। किंतु यदि मैंने असत्य कहा तो वो भी धर्म के विपरीत होगा, मुझ पर असत्य वचन कहने का दोष लगेगा। किस विचार में डूबे हो बालक? मेरे प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो, कहां है वो मृग? इस प्रकार मेरे समक्ष क्यों स्थित हो गए हो? बताओ वो मृग कहां है? वहां उस दिशा में। मैंने जैसे सोचा था बालक नंदी ने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने यमराज से असत्य कहा। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं। तुमने असत्य कहा मुझसे।
ऋषि पुत्र प्रतीत होते हो तो, किंतु तुम्हारा आचरण तो ऋषि पुत्र जैसा नहीं है। अपनी जिह्वा पे असत्य धारण करते हो तुम। आखेटक, आप हमारे लिए आखेट करने आए थे ना, तो फिर यहां आप इस कोमल बालक पर क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आप जिसे कोमल बालक पुकार रहे हैं ना राजन, वो मिथ्या वचन कहने वाला कपटी और अधर्मी बालक है। असत्य तो आप कह रहे हैं आखेटक महोदय, मैंने कोई अधर्म नहीं किया। देखिए देखिए, पुनः असत्य कह रहा है ये बालक। मैं तो आखेट रूपी मृग के पीछे पीछे यहाँ आया था, किंतु इसी ने मुझे भ्रमित कर दिया, दूसरी दिशा में भेज दिया, जबकि ये मृग इसी के साथ यही था। बालक, तुम ऋषि पुत्र हो और असत्य कहने से पहले तुमने तनिक भी संकोच नहीं किया। प्रतीत होता है तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी शिक्षा में तुम्हें अधर्म का पाठ सिखाया है। किसी निर्दोष जीव की रक्षा के लिए कहा गया असत्य अधर्म नहीं अपितु धर्म होता है, क्योंकि धर्म कर्म से तो प्राणियों की रक्षा होती है। इसीलिए ऐसा सत्य जिससे किसी प्राणी को हानि पहुंचे वो भी अधर्म ही है। धर्म कर्म का प्रवचन दे रहे हो, स्वयं को क्या बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हो तुम? मैं जो भी हूँ राजन, किंतु मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आप मुझसे पूछिए कि आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं। यदि मैंने उचित उत्तर दिया तो आप में से कोई भी इस मृग को हानि नहीं पहुंचाएगा। इतना दंभ है तुम्हें अपने ज्ञान पर? उचित, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। मुझे मात्र 33 कोटि देवताओं के नाम ही बता दो। क्या हुआ बालक, मेरे प्रश्न का श्रवण होते ही तुम अपना समस्त ज्ञान भूल गए? तुम्हारे ज्ञान का अहंकार छिन्न भिन्न हो गया? संस्कृत भाषा में कोटि शब्द के दो अर्थ होते हैं। प्रथम करोड़, जो एक संख्या को इंगित करता है, और अधिकांश मनुष्यों को इस शब्द का यही एक अर्थ ज्ञात है। किंतु कोटि शब्द का दूसरा अर्थ है श्रेष्ठ प्रकार, जो देवताओं के संदर्भ में अधिक मान्य है। इसलिए 33 कोटि देवताओं का अर्थ 33 करोड़ नहीं अपितु 33 श्रेष्ठतम देवताओं से संबंध रखता है। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर है राजन, 33 कोटि देवता, जिसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 1 इंद्र, 1 प्रजापति एवं 2 अश्विनी कुमार, जिनकी संख्या का संयोग हुआ 33। मात्र संख्या ही ज्ञात है या उनके नामों से भी परिचित? 12 आदित्य इस प्रकार हैं: अंशुमान, आर्यमान, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान एवं विष्णु। ओम नमः शिवाय। मैं आपको 11 रुद्र के नाम भी बताता हूँ: शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थानु, भर्ग, भाव,
सदाशिव, शिव, हर, शर, एवं कपाली। मात्र नाम कंठस्थ कर लेने से कोई परम ज्ञानी नहीं बन जाता बालक। तो फिर आप अपने अन्य प्रश्न भी पूछ लीजिए, जिनका आप उचित उत्तर पाकर संतुष्ट होंगे। तो ये बताओ, स्त्री और पुरुष के मध्य अधिक श्रेष्ठ कौन है? स्त्री अर्थात माता आदिशक्ति एवं पुरुष अर्थात जगत पिता शिव। संसार की उत्पत्ति में दोनों का ही समान योगदान था, इसीलिए दोनों ही श्रेष्ठ हैं। किंतु यदि इन दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठता प्रदान करना अनिवार्य है, तो मैं स्त्री को ही श्रेष्ठ कहूंगा, क्योंकि वो तो पुरुष को भी जन्म देती है। शिशु के रूप में पुरुष को अपने गर्भ में 9 मास धारण करती है, प्रसव की पीड़ा सहती है, इसलिए नारी ही अधिक श्रेष्ठ है। और इसीलिए पति की अर्ध पूजा का फल पत्नी को भी प्राप्त होता है। समस्त देवताओं को माता के गर्भ से ही जन्म लेना होता है। मैंने आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया, तो फिर आप इस निर्दोष निरही प्राणी पर आघात करने के लिए क्यों आतुर हो रहे हैं? मेरा आपसे अनुरोध है, इसे कोई हानि ना पहुंचाइए। आखेटक हूं मैं, और आखेट करना मेरा धर्म है। राजन को मृग प्रदान करने का मैंने वचन दिया था, इसलिए हट जाओ मेरे मार्ग से। सभी भले ही अपने वचन से हट जाएं, किंतु मैंने इस निर्दोष जीव को शरण दी है, इसलिए अब ये मेरा शरणागत है, और शरणागत रक्षा के धर्म से मैं कदापि पीछे नहीं हटूंगा। अबोध बालक, हम 5 हैं और तुम मात्र 1, और फिर भी तुम इतना दुस्साहस कर रहे हो। जिसे आप दुस्साहस कह रहे हैं, वो तो मेरी धर्म परायणता है, और ये मेरी चुनौती है कि मैं आप सभी की संयुक्त शक्ति के समक्ष अडिग रहकर धर्म का पालन करूंगा। यदि आप सभी ने एक साथ मिलकर मेरे चरण यहाँ से डिगा दिए, तो मैं आपके और इस निर्दोष मृग के मध्य से हट जाऊंगा, अन्यथा आपको ही पीछे हटना होगा। कहीं देवताओं को चुनौती देकर नंदी ने कोई भूल तो नहीं कर दी? नंदी जी ने उन्हें चुनौती तो दे दी, किंतु उन्हें कहां गया था कि उनके समक्ष कोई साधारण राजा आखेटक एवं सैनिक नहीं थे, अपितु स्वयं इंद्रदेव, यमराज एवं अन्य शक्तिशाली देवता थे। उनकी संयुक्त शक्ति का सामना कैसे किया नंदी जी ने? ये संघर्ष तो संकट का रूप धारण कर घोर अनिष्ट का कारण बन सकता था, किंतु बालक नंदी के लिए नहीं, अपितु उन देवताओं के लिए।
मैं आपको एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं, यदि आपको ये मृग चाहिए तो आपको मेरे चरण इस स्थान से डिगाने में सफलता प्राप्त करनी होगी। तभी आपको इस मृग को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी, अन्यथा इसे भूलकर लौटना होगा यहाँ से। नन्हे से प्राण किंतु वचन कितने महान, तुम्हारे चरण तो क्या, मेरी एक गर्जना से मैं तुम्हारा शरीर कंपित कर तुम्हें पीछे हटा दूंगा। आपको अपने प्रायोजन में सफलता प्राप्त होगी अथवा असफलता, ये तो प्रभु की कृपा पर निर्भर करता है। आप प्रयास कीजिए, परिणाम महादेव पर छोड़ दीजिए, महादेव पर छोड़ दीजिए। मेरे समक्ष तो महायोद्धा भी भयभीत हो जाते हैं। तुम तो एक नीरे बालक हो। देवराज, दोनों में भला क्या समानता है? एक छोटा सा बालक कैसे स्थिर रह सकेगा यमराज के समक्ष? साहस अहंकार में नहीं, हृदय में होता है वायुदेव, और ये इस बालक को समझना होगा। मात्र साहस दिखाने से वास्तविकता बदल नहीं जाती। यमराज के समक्ष होकर भी इस बालक को तनिक भी चिंता नहीं है। अद्भुत है नंदी का साहस, किंतु ये साहस कहीं नंदी के लिए संकट ना उत्पन्न कर दे, क्योंकि देवता उसे पराजित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे और उनकी संयुक्त शक्ति का सामना करना कहीं नन्हे नंदी के लिए अत्यंत अहित करना सिद्ध हो जाए। कठोर परीक्षा के उपरांत ही मनुष्य का उत्तम चरित्र उजागर होता है, और प्रभु भोलेनाथ के प्रति नंदी की एकाग्रता ने पूर्व में ही प्रमाणित कर दिया है कि वो महादेव का परम भक्त है। और इस परीक्षा के उपरांत ये भी ज्ञात हो जाएगा कि बालक नंदी महादेव का सखा, उनका वाहन बनने योग्य है अथवा नहीं। स्मरण रखना बालक, तुमने स्वयं संकट को आमंत्रित किया है। मेरी गर्जना से उत्पन्न शक्ति प्रवाह से मैं इस बालक को इसके स्थान से तनिक भी नहीं डिगा सका, किंतु मेरी फांस का सामना कैसे करेगा ये? जैसे ही यमराज अपना फांस खींचेंगे, उसी क्षण ये बालक नीचे गिरेगा। यमराज की फांस इसे अवश्य पराजित करेगी। एक निरीह बालक की कितनी कठोर परीक्षा, क्या उचित है देवराज? किंतु इसकी कठिन परीक्षा लेने पर ही हमें यह ज्ञात होगा, ये महादेव के सखा एवं वाहन बनने योग्य हैं अथवा नहीं। तुम अपने स्थान पे कदापि स्थिर नहीं रह पाओगे बालक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये कैसे संभव है? ओम नमः शिवाय। यमराज उसे खींचकर उसे गिरा भी नहीं सके, अपनी शक्ति से उसे क्षति भी नहीं पहुंचा सके वो। देवी पार्वती, जगत पिता की लीला अद्भुत है, अनूठी है,
उनके अनुसार जो भी होता है उचित होता है। पर अभी नंदी की परीक्षा संपन्न नहीं हुई है। ओम नमः शिवाय। बालक, इतनी उदंडता तुम्हारी, तुम मेरा उपहास कर रहे हो? इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने संपूर्ण समर्थन का प्रयोग करूंगा, किंतु तुम्हें अपने स्थान से हटने पर विवश अवश्य करूंगा। ओम नमः शिवाय। दुस्साहसी बालक, हमारी संयुक्त शक्ति के समक्ष एक क्षण भी नहीं रुक सकते तुम। महादेव शिव शंकर शंभु। अग्निदेव, वरुण देव, आप दोनों के भी आगे बढ़ने का समय आ गया है। नहीं बहन पार्वती, इस परीक्षा को हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक बालक नंदी प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने हेतु स्वयं को प्रमाणित नहीं कर देता। किंतु लंकेश, देवगण नंदी जी की इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे थे? इंद्रदेव अपने स्वभाव से विवश थे और बालक नंदी से उस संघर्ष में वो तो भूल ही गए थे कि वो किसकी परीक्षा लेने आए हैं। सावधान बालक, अब तुम्हारी पराजय निश्चित है। बालक, तुम्हारा हट और अहंकार भंग करेंगे हम। अब इनकी संयोग शक्ति इस बालक को अवश्य प्रभावित करेगी। महादेव शिव शंकर शंभु। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास होने लगा है कि नंदी स्वामी का सखा और वाहन बनने की योग्यता प्राप्त कर चुका है। श्री हरि नारायण की ये मंद मुस्कान क्या संकेत दे रही है? मैंने तो पूर्व में ही कहा था राजन, आप सब एक साथ आकर प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए आप भी आकर अपने बल का प्रयोग कर लीजिए राजन। बालक, इतना तंब तुम्हारा, जो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। रस्सी छोड़कर आप अपने हाथों से भी प्रयास कर लीजिए, कहीं असफल होने के बाद ये ना कहें बालक नंदी ने आपको पूर्ण अवसर नहीं प्रदान किया।
यही चाहते हो ना तुम बालक, तो ऐसा ही होगा। तुम्हारी पराजय निश्चित होगी, और वो मृग जिसकी तुम रक्षा कर रहे हो उस पर भी हमारा अधिकार होगा। देवराज इंद्र भी विफल हो गए इस नन्हे बालक के समक्ष। महादेव शिव शंकर शंभु, महादेव शिव शंकर शंभु। बस प्रणाम महादेव। बालक नंदी ने यह प्रमाणित कर दिया कि वो महादेव के कृपा पात्र है और उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए सर्वथा योग्य है। ये तो हम ही हैं जो उनकी परीक्षा लेने के योग्य नहीं है। यदि मैं आपको पहचानने में कोई त्रुटि नहीं कर रहा हूं तो आप इंद्रदेव है ना? आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हे अति बलशाली बालक नंदी, आपसे हमें पहचानने में कोई त्रुटि नहीं हुई। और आप भूमि देवी है ना? अब समझ में आया मुझे, आप सभी मेरी परीक्षा लेने आए थे ना? मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने आप सभी को अपने चरण थामने के लिए प्रेरित किया। आपको क्षमा याचना करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं, ये तो केवल आपकी परीक्षा का भाग था जिसमें आपने संपूर्ण बल और साहस के साथ स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया है और हमें भी अत्यंत प्रभावित किया है आपने। आप सर्वथा महान हैं नंदी जी, और ये आपकी धर्म शक्ति का ही प्रभाव है कि हमारे समस्त प्रयासों के उपरांत भी आप अपने स्थान पर अडिग रहे। सत्य है, आप श्रेष्ठ धर्मज्ञ हैं, धर्म के ही अवतार हैं। हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आज से आप धर्मज्ञ नंदी के नाम से विख्यात होंगे। नंदी के नाम से विख्यात होंगे। नंदी के नाम से धर्मज्ञ नंदी के नाम से विख्यात होंगे। धर्मज्ञ नंदी के नाम से विख्यात होंगे। त्रयंबकं सदा शिवं नमामि हे उमापति। जय नीलकंठ, जय अनंत, नमोस्तुते नमोस्तुते। मैं आपका आशीर्वाद स्वीकार करता हूँ देवगण, किंतु मुझे तो एक ही आशीष की आस है कि मैं अपने प्रभु महादेव के दर्शन कर उनसे भेंट कर सकूं। भ्राता श्री हरि नारायण, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब नंदी अपनी पूर्ण योग्यता प्राप्त कर चुका है, इसीलिए अब महादेव से उसकी भेंट कराने हेतु हमें उसका उचित मार्गदर्शन करना होगा। आप उचित कह रही हैं देवी। नंदी ने अपनी प्रथम परीक्षा में अपने ज्ञान का अद्भुत परिचय देकर ये सिद्ध किया है कि वो महादेव से भेंट करने योग्य हो गया है, और अपनी द्वितीय परीक्षा में अपने अपार बल का प्रदर्शन कर ये सिद्ध किया है कि वो महादेव का वाहन बनने योग्य भी है। किंतु अभी ये देखना शेष है
कि वो महादेव का सखा बनने योग्य है अथवा नहीं। उसके लिए उसे भोलेनाथ को उनके वैराग्य से बाहर निकालना होगा। ये नंदी की अंतिम चुनौती, अंतिम परीक्षा होगी और उसमें सफल होकर अपने सखा को पुनः उसके ग्रह लौटने के लिए प्रेरित कर अपने धर्म का निर्वाह करेगा और ये प्रमाणित करेगा कि वो जगत पिता का सखा बनने के योग्य भी है। किंतु ऐसा कैसे कर सकेगा वो? आप चिंता न कीजिए देवी, स्वयं देवराज इंद्र उनका मार्गदर्शन कर उन्हें उचित पथ पर लाएंगे। और इस प्रकार इंद्र देव के मार्गदर्शन पर नंदी उस घोर तपस्या में लीन हो गए, जिसका उद्देश्य उनकी अंतिम परीक्षा के रूप में महादेव को उनके वैराग्य से बाहर लेकर आना था। कठोर परीक्षा के उपरांत ही व्यक्ति के उत्तम चरित्र का निर्माण होता है, इसलिए व्यक्ति के जीवन में परीक्षा का होना भी आवश्यक है। ओम नमः शिवाय। संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदया। कल रात देखिए महादेव को कैसे प्राप्त हुआ। उन्हीं के अवतार के रूप में एक परम भक्त सखा नंदी श्री विघ्नहर्ता गणेश में।